नरसिंह मेहता का चरित्र आता है कि श्री नरसिंह मेहता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितने दयालु ठाकुर जी आज भी हैं, बस भाव नरसिंह मेहता जैसे हो। तो नरसिंह मेहता ने एक व्यापारी से खूब सारा कर्जा ले लिया था। व्यापारी रोज जाता नरसिंह मेहता से जाके कहा, अपना वो चुकाओ भाई, तुम पर इतना कर्जा हो गया है। नरसिंह मेहता बेचारे रोज ताल देते, कल परसों करते। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होते हैं कि उनके पास होता है लेकिन वो देते नहीं है, लेकिन कई लोग होते हैं बेचारे उन पर व्यवस्था ही नहीं बन पाती, क्या करें। नरसिंह मेहता जैसे एक दिन व्यापारी को क्रोध आ गया, उसने कहा कि नरसिंह तुम बार बार कह देते हो ये है वो है, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम अपनी कोई बहुमूल्यवान वस्तु मेरे पास गिरवी रखो, जब तक तुम चुकाओगे नहीं तब तक वो वस्तु मेरे पास ही रहेगी। नरसिंह मेहता बोले क्या दूं बताओ। तो नरसिंह मेहता केदार राग गाते थे, अभी राग जो चल रहा है ना कथा में ये केदार राग ही है, इसीलिए हमको नरसिंह मेहता की याद आई। तो राग केदारा इतना सिद्ध था नरसिंह मेहता को कि जब नरसिंह मेहता केदार राग गाते थे तो ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी की जो माला थी वो गले से टूट के गिर जाती थी, कितने भी राग गाले उन रागों में नहीं गिरती थी, जैसे ही वो केदार गाते थे तुरंत ठाकुर जी की माला गिर जाती थी और जितनी जनता आती थी सब तालियां बजाती थी नरसिंह मेहता के ऊपर। नरसिंह मेहता की इस स्थिति को देख करके व्यापारी ने कहा तुम अपना राग केदार गिरवी रखो, जब तक तुम मुझे नहीं चुकाओगे अपना पैसा तब तक तुम राग केदार नहीं गाओगे। नरसिंह मेहता बोले ठीक है भैया, नहीं गाएंगे राग केदार। अब उसी दिन जिस दिन नरसिंह मेहता ने अपना राग गिरवी रखा उसी दिन कुछ लोगों ने नरसिंह मेहता को पाखंडी बताया था, उन्होंने कहा ये पाखंड करता है, इतनी पतले सूत की माला पहनाता है ठाकुर जी को कि वो पहले सारे राग गा देता है, जैसे वो धागा टूटने वाला होता है सोई राग केदार गा देता है, आज माला हम बना करके लाएंगे, आज यदि माला टूटी तो मानेंगे कि हाँ नरसिंह मेहता के राग में सामर्थ्य है, और आज यदि माला नहीं गिरी तो नरसिंह मेहता पाखंडी घोषित हो जाएगा। और आज ही नरसिंह मेहता अपना राग गिरवी रख के आए थे, आज उनको गाना नहीं था। अच्छा एक बात तो है, यहां जितने भी कृष्ण भक्त बैठे हैं सीधे सीधे कृष्ण भक्त अपना जीवन जी ले तो समझ लो कृष्ण भक्त है ही नहीं, ऐसे घुमाव आएंगे, ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसे कभी नीचे कभी ऊपर कभी दुल्लर तिल्लर होता ही रहेगा बेचारा। उसकी पूरी जीवन में अगर वो सुखपूर्वक जी रहा है तो समझो कि वो कृष्ण भक्त है ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच लो कि कृष्ण भक्त को सुख नहीं है, हाँ एक सुख है ना, क्या सदा श्री कृष्ण उसके साथ है, इसका सुख उसको बना रहता है, चाहे कितनी भी विपत्ति आपत्ति आ जाए कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए उसको मन में ये विश्वास रहता है कि ठाकुर जी मेरे संग खड़े हैं। नरसिंह मेहता पहुंचे तो देखा आज तो बड़ी भीड़ लगी है। नरसिंह मेहता बोले भैया आज इतनी भीड़ कैसे। बोले वो दूसरे गांव के लोगों ने आज माला पहनाई है मोटे सूत की और उन्होंने कहा है, बोले आज यदि नहीं गिरी माला तो आपको पाखंडी घोषित कर दिया जाएगा। नरसिंह मेहता के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले वारे कन्हैया तुमको भी आज ही गिरवी करवाना था मेरा राग जब आज परीक्षा। अच्छा नरसिंह मेहता बोले मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मुझे पाखंडी, मैं खुद घोषणा कर देता हूं कि मैं पाखंडी हूं, पर मुझे इस बात की चिंता है कि यदि आज मेरे राग ना गाने से आपकी माला नहीं गिरी तो कितने लोगों के चित्त में अविश्वास हो जाएगा आपके प्रति, मुझे अपनी चिंता नहीं है ठाकुर जी, मुझे आपकी भक्तों की चिंता है। अब नरसिंह मेहता लिए पेटी, अच्छा मां सेठ जी और खड़े थे वो, उनने यूं कह रखी थी, बोले कि गाना नहीं आज राग केदार, अगर गाया तो पूरी दुनिया को बताऊंगा तुमने कर्जा ले रखा है। नरसिंह मेहता बोले बड़ी विडंबना में फंसे, ठाकुर जी कृपा करो कछु तो दया करो हम पर ने अनुग्रह करो। नरसिंह मेहता विविध विविध राग गाने लगे, सब लोग कहें ए केदार शुरू करो, नरसिंह मेहता कहे हाँ अभी यमन गा दूं फिर गाऊंगा केदार,
फिर बाद में कहें देश गा दूं फिर गाऊंगा केदार। ठाकुर जी से नरसिंह मेहता की विचलनता देखी नहीं गई। एक रूप से तो ठाकुर जी मंदिर में खड़े थे, दूसरे रूप से ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण किए और धारण करके सीधे उस सेठ की दुकान पर पहुंचे। सेठ जी आ गए थे वहां से वापस, सेठ जी के पास जाकर के नरसिंह मेहता बोले देखो आज हमने राग गाया नहीं। बोले बहुत बढ़िया, आप गाना नहीं जब तक पैसा वापस नहीं करो। नरसिंह मेहता ने उठा करके पोटली रख दी। नरसिंह मेहता थोड़ी थे भगवान थे, बोले लो तुम्हारा सारा कर्जा वापस, हमारा राग मुक्त करो। बोले अच्छा इतना धन कहां से आया? बोले ये पूछो नहीं कहां से आया, हमने कर दिया ना वापस, अब हमारा राग मुक्त करो। सेठ जी ने कहा राग केदार मुक्त किया, नरसिंह मेहता ने अपना सारा कर्जा चुका दिया, पत्र पर लिख करके ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी तो आकर के खड़े हो गए। किसी वैष्णव ने जाकर के नरसिंह मेहता की पेटी के ऊपर वो पत्र रख दिया। नरसिंह मेहता दूसरे राग गा रहे थे, यहां लोग सब डंडे पहना करके खड़े थे। बोले अब अगर इसने नहीं गाया केदार तो फिर हम इसमें डंडा बरसाएं, पाखंडी। नरसिंह मेहता के नेत्र खुले, सब बोले अब केदार गाओ। नरसिंह मेहता बोले कैसे गाऊं क्या करूं, तभी वो पत्र रखा था। जैसे ही नरसिंह मेहता ने खोल के देखा तो सेठ जी के हस्ताक्षर, बोले राग केदार मुक्त हो गया है, आपका आपका सारा धन चुका दिया है। आहा, नरसिंह मेहता ने जैसे ही पत्र देखा तो अंदर मंदिर में जब झांक करके देखा तो ठाकुर जी के दतुइयां दिख रही थी, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। बोले अब गाओ। और जैसे ही नरसिंह मेहता ने राग केदार गाया, राग केदार गाते ही भीतर खड़े हुए ठाकुर जी के गले की माला टूट करके गिर पड़ी और सब लोगों ने जय जयकार करते हुए नरसिंह मेहता का जय घोष कर दिया। ठाकुर जी की जय जयकार, नरसिंह मेहता की जय जयकार, भक्ति की जय जयकार होने लगी सब जगह। चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज। बंधुओं ये राग सिद्ध है। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता से कह रखा है यदि कोई वैष्णव राग केदार गाएगा तो मैं एक क्षण के लिए वैकुंठ की पदवी छोड़ करके उसके सामने आऊंगा और सुनूंगा बैठ करके। इसलिए चलो विदिशा में ठाकुर जी को बुला लें, सब लोग मेरे साथ गाना। और देखो राग की चिंता मत करना, स्वर की चिंता मत करना, अनुराग में गाना, भाव से गाना, हमारे पीछे पीछे गाओ राग केदार। चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज, कछु नहीं जानत, हम विधि अविध कछु नहीं जानत, रहत भरोसे श्री गिरिवर भरो से श्री गिरिवर के, ओ रहत भरो से श्री गिरिवर के, रहत भरो से श्री गिरिवर के, चरण शरण गिरिराज धरण के,
ठाकुर जी सब पर कृपा करते। हमारे नाना जी एक भाव कहते थे बहुत सुंदर, रमा क्रीडन म भूम नृप। इस विषय को लेकर के नाना जी कहते थे, बोले लाला ये ठाकुर जी को जो जन्म हुए ना ये दो कारणते होवे। बहुत ध्यान से सुनना मैंने कि दो कारण से कैसे। बोले एक कारण तो साधु संत भक्तन के प्रेम के कारण ठाकुर जी पधारे। मैंने कहा, बोले दूसरा कारण यह है कि ठाकुर जी की दो पत्नी है, श्रीदेवी और भूदेवी। तो ठाकुर जी जब वैकुंठ में विराजमान रहे तो श्रीदेवी के संग रहे, श्रीदेवी यानी लक्ष्मी, भूदेवी यानी पृथ्वी। और जब ठाकुर जी अवतार लेवे तो भूदेवी यानी अपनी दूसरी पत्नी से मिलवे के काजे ठाकुर जी धरती पे आवे। मैंने कि जी नाना जी समझ आ गई बात, अब भाव बताओ। बोले भाव ये कि यहां कह रहे हैं रमा क्रीडन म भूम नृप, यानी कि रमा यानी कि लक्ष्मी पूरे ब्रजमंडल में क्रीड़ा कर रही है। इसका भाव नाना जी बताते, बोले जब श्री कृष्ण को प्रादुर्भाव भयो, इतने सुंदर ठाकुर जी, इतने सुंदर ठाकुर जी, इतने सुंदर ठाकुर जी कि आकाश से जब लक्ष्मी ने देखो तो लक्ष्मी को ईर्ष्या हो गई कि इतने सुंदर हमारे पतिदेव बन के गए हैं और इनके चरण को स्पर्श, इनके हाथन को स्पर्श, इनके सर्वांगीण अंग को स्पर्श भूदेवी को होगा, हमको नहीं मिलेगा वो स्पर्श। तो लक्ष्मी जी अपनी सारी संपदा लेकर के नंद बाबा के कारागृह में आकर के विराजमान हो गई, कोठरी में आके विराजमान हो गई। इसलिए नंद बाबा अटारियों से चढ़ चढ़ करके लुटामे और जितनो लुटामे उतनो दुगनो बढ़ जाए। इतनो बढ़ गयो धन कि भागवत जी में वर्णन आता है कि नंद बाबा दो चार दिन तक लुटा रहे थे तो ब्रजवासी लूट रहे थे, लेकिन पांचवे छठवे दिन से तो ये स्थिति हो गई कि ब्रजवासियों के घर में जगह ही नहीं बची रखने की सामग्री। तो क्या करें, नंद बाबा अटारी से लुटा में और ब्रजवासी लेकर के ब्रजवासी भी पीछे लुटा दें। बोले लूटते लूटते सवन के घर भर गए, सवन की जेब भर गई, अब जगह नहीं बची, लेकिन नंद बाबा रुके ही नहीं रहे, लुटा ही रहे। तो भयो कहा, बोले अब लूट लूट लुटावे वाली वस्तु ब्रज की रज में जाकर के मिलन लगी, घुलन लगी। और एक समय आयो कि पूरे ब्रजमंडल में सोने चांदी हीरे जवाहरात मणियों की परत जैसी छा गई, मानो श्री देवी ने आकर के भूदेवी से मिलन करके पूरे ब्रजमंडल को आच्छादित कर दिया कि अब ठाकुर जी गुटमन चलेंगे तो दोनों पत्नी इनको सुख प्रदान करेंगे। रमा क्रीडन मूम रूप, ऐसे छोटे छोटे भाव हमारे नाना जी सुनाते थे। या हमारे नंद बाबा के कारागृह में लक्ष्मी आकर के विराजमान है गई, नंद बाबा की कोठरी में आके विराजमान है गई और नंद बाबा लुटाए जा रहे। ऐसे ऐसे अपने अपने भाव हैं, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब आनंद है रोए। इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी का गोकुल में आगमन हुआ जिसका नाम है पूतना। कंस ने राक्षसों को बुलाया ही था कि भैया अष्टम गर्भ मेरे शत्रु ने ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया है, देवकी मैया ने आठवीं बालिका को जन्म दिया, वो अष्टभुजी देवी ने मुझे बताया है कि ब्रजमंडल में कहीं जन्म लिया है, अब ढूंढो उसको कहाँ है, मेरा शत्रु है, मेरा काल है। तो राक्षसों में सबसे पहली राक्षसी पूतना। बंधुओं देखो एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जितने भी राक्षस आएंगे ना अब वृंदावन, ये भक्त के जीवन में आने वाली आपत्तियां हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप भक्ति पथ पर चलेंगे सबसे पहली आपत्ति रूपी राक्षसी पूतना आपके जीवन में आएगी। पूतना का स्वभाव क्या है, पूतना का गुण क्या है, पूतना का रूप क्या है, वो सब समझो। सबसे पहले पूतना आई, पूतना अत्यंत कुरूपणी थी पर परम बलशाली थी। कंस से जाकर के कहा कि मैं अपने पयोधर में विष लगा करके जाऊंगी, 10 दिन के अंदर जन्म लेने वाले बालकों को गोद में खिलाने की भावना से लूंगी, पयोधर का पान कराऊंगी, विष पीते ही बालक मर जाएंगे। कंस बोला, देवी तुम इतनी भयानक लगती हो, घरों में जाने कौन देगा तुमको। पूतना बोली, मुझे रूप बदलना आता है। और पूतना ने
राक्षसी विद्या से अपना रूप बदल लिया, परम सुंदरी हो गई पूतना। पूतना ब्रजमंडल में घूम रही है, जितने बालकों ने जन्म लिया सब बालकों के यहां जाती। अच्छा, पूतना इतना सुंदर रूप और इतने सुंदर वस्त्र उसने पहने कि उसको कोई रोकता नहीं है। वो जिस घर में जाती है सब कहते हैं, अरे आओ आओ आओ, कोई ऊंचे घर की आई है, बिठाओ। ये हमारा भी स्वभाव है, हम सबका आकर्षण सबसे पहले बाह्य आवरण पर होता है। और निश्चित मानिए, अधिकतर बाह्य आवरण पर आसक्त होने वाला व्यक्ति बाद में पछताता है। कभी भी किसी के प्रभाव से मत रीझिए, सदैव उसका स्वभाव देखिए। बहुत कुछ सिखाती है पूतना हमको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूतना घर घर जाती है, बालकों को गोद में खिलाते खिलाते धीरे से अपना पयोधर पिला देती है। विष पीते ही बालक मरने लग जाते हैं, तब तक वो दूसरे घर में पहुंच जाती है। भ्रमण करती करती पूतना ने जैसे ही गोकुल में आगमन हुआ पूतना का, कहते हैं पूतना के पैर पड़ते ही उसके तन से निकलने वाली सुगंधि, उसके पैरों की नूपुरों की ध्वनि, उसकी गजगामनी चाल, उसके कटाक्ष नेत्र, मुस्कुराए तो मोतियों जैसे दांत, उसके सुंदर घुंघराले केश, उसका सर्वांगीण अंग इतना सुंदर था कि जैसे जैसे वो गोकुल में प्रवेश करे, जिस जिस मार्ग से जाए, वहां के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई जाए। एक बार कोई पीछे मुड़कर के पूतना को देखता तो हो ही नहीं सकता कि वो दोबारा ना देखे, इतनी सुंदर। चलो सुंदरता थी ये बात अलग, लेकिन जो एक और क्रिया हो रही थी वो ये थी कि सब ब्रजवासी नाच रहे थे, गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। लेकिन जैसे ही पूतना को देखते ही सबके मुंह खुले रह जाते, आंखें खुली रह जाती, भूल जाते हमको करना क्या है। दो चार ब्रजवासी छोरा तो दौड़े दौड़े अपने मैया के पास गए, मैया तू पूरे दिन पीछे पड़ी रहे हमारे, ब्याह कर ले, हमने बहू देख ली। कहां है तेरी बहू? मैया देख बहू आ रही। मैया तेरे हाथ जोड़ू? तू जो कहेगी सो करेंगे, चौका बर्तन जो कहेगी सब कर देंगे, पूरे घर को लेप हम कर ले करेंगे, या तो ब्याह करा दे हमारा। मैया करी बावड़े तेने अपना मुंह देखो, माँ को रूप देख कितनी सुंदर है वो। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, बोले कि भैया नंद के लाला को कल हमने दर्शन कियो और वासमे वा लाला को देख के ऐसा लग रहा हो कि कोई नीली मणि रखी हो। हमने सुनी है कि अयोध्या में जब राम जी प्रकट भए ना तो उनको रूप भी नीलमणि जैसा हो, कहीं ऐसा तो ना है ये नारायण ही नंद बाबा के यहाँ लाला बन के आया हो। लेकिन बाद में गोपी कहने लगी, नाना हमारा लाला ही है, ये कोई नारायण नहीं है। लेकिन आज पूतना को देख करके गोपियां कह रही हैं, बोले देख हमारी बात सत्य है, वो नारायण ही है, क्योंकि वा को दर्शन करवे देख लक्ष्मी आई है, हमने तो कभी देखी ना इतनी सुंदर। मतलब पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। चार गोपियों से जाकर के पूतना ने पूछा नंद भवन कहां है? गोपी पहले तो कुछ बोली नहीं, पूतना बोली आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है? बोले जे दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हैं ना, ये जिस आंगन में वो नंद भवन ही है, चली जा। पूतना सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई भीतर गई, सब नंद भवन के बाहर खड़े हैं, और बाहर खड़े खड़े एक तक दृष्टि से सब देख रहे हैं कि अब बाहर कब आवेगी निकल करके, इतनी सुंदर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
पूजनीय प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर श्री विशंबर दास जी महाराज हम आप सबके मध्य में पधारे हैं। आप सब विदिशावासियों की ओर से व्यासपीठ से महाराज जी को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। तो विषय में चलें। सब ब्रजवासी नंद भवन के बाहर खड़े हो गए। गाना बजाना सब बंद हो गया, सबका मन चुरा के ले गई भीतर। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब बाहर कब आएगी। और भीतर जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया, पूतना के रूप को देखते ही गोद में लेकर के बैठी हुई यशोदा मैया भी एक क्षण देखते ही नेत्र बंद हो गए यशोदा मैया के। और मैया कहने लगी, ए विधाता, ये तेने कहा कियो? या तो मेरो लाला कछु साल पहले भेज दियो हो तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को, या ये कछु साल बाद जन्म ले लेती तो या तो ब्याह है जातो मेरे लाला को। ए विधाता, तेरे पाम परूं, बस एक मेरी मनोकामना पूरी कर दियो, या की कोई लाली जरूर हो, सुबह से अपने लाला को कर दूंगी ब्याह। इतनी नहीं तो कछु तो सुंदर होएगी। 6 दिन के हैं ठाकुर जी केवल। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे, मैया रुक जा, तेरी बहू को रूप दिखाऊंगा भाई, तू बड़ो मेरो ब्यार अर्चा रही है राते, और सबरी मैयान को बताए दूंगो अपने लालान को ब्याह, ये रूप देख करके मत करियो, देख लियो ऐसी पूतना होवे। पूतना आई, आकर के जैसे ही बैठी, अरे बहन तुम कहां से आई हो, तुम्हारो नाम कहा है? पूतना ने अपना नाम जो भी बताया, मिश्रानी हूं और मैं तो घर से बाहर कभी आऊं ना आऊं, और लेकिन आपके लाला के रूप की बात सुनकर के मुंह पर रहो नहीं गए। मैंने की मैं तो जाऊंगी, मेरी सास ननद खूब लड़ी, मैं तो आए गई। अरे बहन भली आए गई, तुम्हारी कोई लाली है कि ना है? बोलना अभी लाली तो ना है, लेकिन संभव कछु होएगो, जैसे ही हो मुंह को पहले बताइयो। नंदरानी यशोदा कह रही है, अब इतनी बाको बाको गोद भराई कर दूंगी मैं तो, कि अपने लाला को ब्याह कराऊंगी। बंधुओं, पूतना ने हाथ आगे करके कहा, नेक अपने लाला को दियो ना। मैया ने तनिक विचार नहीं किया, तुरंत ठाकुर जी को पूतना की गोद में दिया। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात, सब नगर के लोगों को आकर्षित कर लिया, सब गोपियों को आकर्षित कर लिया, यशोदा मैया को आकर्षित कर लिया, बड़े 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 ब्रजवासी, बड़े बड़े वहां के श्रेष्ठ जनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया पूतना ने, लेकिन वास्तव में जिसको आकर्षित करना चाहिए था वो जगत नियंता जगदाधार जैसे ही पूतना की गोद में गए, नेत्र भी बंद कर लिए, दो हाथ और रख लिए उनके ऊपर। ये दुर्भाग्य है पूतना का। हम आप सब भी प्रयासरत इसी में ही रहते हैं, ये रीझ है, ये भी रीझ है, पड़ोसी भी रीझ जाए, फूफा जी को भी रिझाना है, बुआ को दिखाना है मुझे करके ऐसे, उनको भी बताना है, ये भी मेरे सब अपने हो जाए, स्कूल में सब, कॉलेज में सब, सबको रिझाना, बस सबको रिझाने में ही हम लगे रहते हैं। मूल उद्देश्य ये हो भले ही सब रूठ जाए पर ये रीझ जाए। सब रूठ गए और ये रीझ गए तो क्या होगा? मीराबाई से सब रूठ गए थे, जब मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ था, मीराबाई की भक्ति का प्रचार हुआ, अधिकतर लोग मीराबाई की निंदा करने वाले थे, लेकिन ये रीझे बैठे थे उनसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना की, बड़े बड़े विद्वानों ने भी उनका आक्षेप किया, ये कौन सी भाषा में लिख दिया है, ये इतनी सरल भाषा, सहज भाषा, ये कोई भाषा होती है? कई लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विरोध किया, लेकिन ये रीझे बैठे थे। मैं कथाओं में गाया करता हूं, रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे, रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई,
एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठो याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। क्यों जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। सब रूठ जाए हमसे लेकिन हमारे श्याम सुंदर कभी ना रूठे। आप अपनी योग्यताओं से, अपनी प्रबलताओं से, अपनी श्रेष्ठताओं से सबको रिझा लोगे, लेकिन मूल बात यह है कि सब रीझे ये नहीं, एक वो रीझा की नहीं आपसे। इसलिए बंधुओं कथा की इस मूल विषय को अपने जीवन में उतार लीजिए। आज के बाद हमारी योग्यता, हमारा गुण, हमारी श्रेष्ठता, हमारे पास जो कुछ भी है उसमें केंद्र बिंदु केवल एक होने चाहिए कि हमारे गोपाल जी रीझे हमसे, हमारे ठाकुर जी रीझे हमारी क्रिया से। हम कुछ भी करें उससे कोई प्रसन्न हो रहा है इससे हमको प्रसन्नता नहीं, ये हो रहे कि नहीं। पूतना ने, पूतना योग्य योग्य नहीं बन पाई ठाकुर जी के नेत्रों के, अधिकारिणी नहीं बन पाई। मैं कहता हूं, मैं कहा करता हूं, 100,000 लोग बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। 500,000 लोगों की भीड़ होली पे बिहारी जी में होगी, ये बड़ी बात नहीं है। 500,000 लोगों में बिहारी जी की दृष्टि किस पर पड़ रही है, ये बड़ी बात है। कथा में भीड़ कितनी है ये बड़ी बात नहीं है, सुनने वाले कितने हैं ये बड़ी बात है। भीड़ तो सब जगह हो जाती है। पूतना ने सबको रिझा लिया, लेकिन जिसको रिझाना चाहिए था वही रूठ के बैठ गया, वही नेत्रों पर हाथ रख करके बैठा है। कारण क्या है? ऐसा कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना ने कर दिया, ऐसा कौन सी क्रिया दुर्भाग्य पूतना ने कर दी कि ठाकुर जी उसको देखना तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ये बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये कुछ विषय हैं, इन विषयों से सदा बचिएगा, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं आपको। सबसे पहला विषय, पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है। ठाकुर जी आपसे नजर छुपा लेंगे उस समय जिस दिन आप अपने वास्तविक रूप को छुपाओगे। मेरा यहां पर उद्देश्य श्रृंगार से नहीं है, आपकी मनोवृत्ति से। हम लोग बंधुओं अधिकतर छुपाव में ही रखते हैं स्वयं को। हमारे अंदर छल भी है, कपट भी है, द्वेष भी है, राग भी है, सारी दूषितताएं भीतर भरी पड़ी हैं, लेकिन हम समाज के सामने सबको छुपा करके जाते हैं। समाज के सामने जाओ उसके लिए रोक टोक नहीं, पर ठाकुर जी के सामने मत छुपा। सूरदास जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं, इतने बड़े संत, इतने बड़े रसिक, इतने बड़े भक्ति भाव में रहने वाले सूरदास जी ठाकुर जी से कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? आप अपनी वास्तविकता सबके सामने छुपाते हैं दूसरे को रिझाने के लिए, पर बंधुओं सदा याद रखना, वैद्य के सामने रोग छुपाओगे तो चिकित्सा नहीं हो पाएगी। वैद्य के सामने तो रोग प्रकट करना पड़ता है। आप सबसे छुपाओ लेकिन जब भी ठाकुर जी के सामने जाओ एकांत में खड़े होकर के अपने सब भाव बताओ, ठाकुर जी मेरे अंदर बहुत मोह है, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं वो सामने पड़ोसी उसको मैं मुझे वो देखना ही नहीं सुहाता, उसकी उपलब्धि से मुझको दिक्कत होती है, ठाकुर जी मेरे अंदर काम कूट कूट के भरा है, ये सारे अपनी दूषितताएं प्रकट करो, वहां छुपाओ नहीं ठाकुर जी के आगे। जिस प्रकार समाज में स्वयं को छुपाया है वैसे ही ठाकुर जी के सामने भी अपनी वास्तविकता छुपाओगे तो आप पूतना हो, ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। तो पहली बात,
अपनी वास्तविकता सबसे छुपाओ, पर ठाकुर जी से कभी नहीं, प्रस्तुत करो, बताओ ठाकुर जी को, हैं ठाकुर जी हम ऐसे। हम लोग क्या करते हैं, अपनी अवस्था तो ठाकुर जी को नहीं बताते, अपनी व्यवस्थाएं बता देते हैं। ठाकुर जी ये काम नहीं बनने, ये काम नहीं हो रहे, यो नहीं हो रहा, ये पेपर पास आउट नहीं हो रहा, यहाँ जॉब नहीं लग रही, ये हमारा डील नहीं हो रही, ये व्यापार नहीं चल रहा, व्यवस्थाएं बता दी। ठाकुर जी कह रहे हैं खुद को तो बता तू कैसा है, अपनी अवस्था तो बता ही नहीं, वो तुम छुपाते। अपनी अवस्था का प्रादुर्भाव करो ठाकुर जी के आगे। तो पहली बात, पूतना ने अपनी वास्तविकता को छुपाया, इसलिए ठाकुर जी ने उससे नजर छुपा ली, नजर बंद कर ली। दूसरा कारण, ठाकुर जी अपनी दृष्टि बंद करेंगे, उसमें दूसरा कारण क्या होगा, पूतना ने क्या किया, गोकुल आई, रूप बदल करके आई, यहां तक भी ठीक था, लेकिन आते ही जितने भी लोग उत्सव मना रहे थे, ठाकुर जी का जन्मोत्सव कर रहे थे, ठाकुर जी के उत्सव में नाच रहे थे, गा रहे थे, बढ़िया भक्ति भाव में ओतप्रोत थे, सबको आकर के उसने सबका भजन छुड़वा दिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठाकुर जी कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने किसी क्रिया से, अपने किसी स्वभाव से, अपनी किसी योजना से किसी भक्त की भक्ति छुड़वाएगा, मैं उसको नहीं निहारूंगा। तो दूसरा कारण पूतना को ना देखने का क्या है, कि पूतना भक्तों की भक्ति में विक्षेप डाल रही है, अपने रूप से, अपने सौंदर्य से, जो कि वास्तविक नहीं है, बनावटी है, उस अपने अपने अव्यवस्थित, अपने अप्रामाणित, अपने झूठे रूप से सबकी भक्ति का हरण कर रही है, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं देख रहे। समझ में आई बात। यदि आपकी कोई क्रिया, आपकी कोई व्यवस्था, आपके द्वारा बनाई गई कोई योजना यदि किसी की भक्ति में विक्षेप डाल रही है, तो आप पूतना हो ठाकुर जी के लिए, देखेंगे नहीं ठाकुर जी आपको। तो कभी भी प्रयास करना, संत महापुरुषों की बात अलग है, वो कथा के मध्य में पधारे उससे शोभा बढ़ती है, पर श्रोता कई बार कथा के बीच में आते हैं तो मुझे कभी कभी लगता है कि भाई अगर ये अपनी ओर सारे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं तो फिर ये कौन है। कथा में कैसे जाना चाहिए पता है, अगर बीच कथा में आप या तो पहले आ जाओ या फिर विश्राम में आओ, बीच कथा में आए हो तो बिल्कुल ऐसे अचक करके नीचे झुक करके, किसी को पता ना चले, किसी की कथा में विक्षेप ना आए, किसी को मेरी वजह से कथा के बीच का ये तार टूटे ना, इस प्रकार कहीं कोने में जाकर के बैठ जाना चाहिए। हम क्यों बार बार कहते इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्यों? ये जो आपका तारतम्य जुड़ा हुआ है ठाकुर जी से, ये यदि विक्षिप्त हुआ बीच में, तो जिसकी वजह से होगा वो पूतना है, ठाकुर जी उसको देखेंगे नहीं फिर। अब बेचारे जो बीच में आए वो लोग बुरा नहीं मान जाना, महाराज जी हमसे कह रहे नहीं, पर हां आज के लिए छूट है, कल से कोई आवे उसको मई से कहते ना नीचे झुक के जा। ये तो देखो एक विनोद की बात है, पर मेरा कहने का अभिप्राय क्या है, कोई भजन साधन में लगा है, कोई भक्ति मार्ग में लगा है, कोई भक्ति के पथ पर चल रहा है, आपकी कोई क्रिया उसके प्रति विक्षेप प्रकट ना करे, नहीं तो ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। कोई किसी की भक्ति में अड़ंगा डाले, ठाकुर जी फिर उसको निहारते नहीं है। तो दो कारण हो गए, पहला कारण तो पूतना अपने वास्तविक रूप को छुपा करके गई, दूसरा कारण पूतना ने आकर के सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसमें कारण यह नहीं है कि वो विष देने आई है आदि, नहीं, ये तो कोई कारण है ही नहीं, ठाकुर जी को इससे दिक्कत नहीं है कि वो उनको विष देने आई है। ठाकुर जी का मुख्य कारण तो यही, तो ये दो चीजों का सदैव ध्यान रखना, अगर इन दो चीजों का ध्यान नहीं रखा तो निश्चित है हम ही पूतना है और ठाकुर जी हमसे ही दृष्टि छुपा लेंगे। पूतना की गोद में ठाकुर जी लेट गए, आंखें बंद कर ली। यशोदा मैया किसी कार्य से बाहर चली गई,
पूतना ने समय जान करके तुरंत अपना पयोधर भगवान के मुख में दे दिया। ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके रस तत्वों को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्य तत् प्राणै समम रोष समन वितो पिबत। जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना को तो घबराहट होने लगी, बोले 5-10 मिनट में इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए, अभी तक मरा नहीं, इतनी देर हो गई। अब तो जैसे ही पूतना के प्राण पीने लगे ठाकुर जी, वो अपने विकराल रूप में आने लगी, राक्षसी रूप धारण करने लगी, उसके केश निकल करके आ गए, बड़े बड़े नाखून, ये विशाल मुख, दो दो दांत निकल के, जैसे भी राक्षसी का रूप हो, पूर्ण रूपेण राक्षसी रूप में जैसे प्रकट हुई, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके जोर से खींचे कि ये मुझसे दूर हो, लेकिन ठाकुर जी दूर नहीं हो रहे हैं। अरे बालक छोड़ चिल्लाने लगी। हमारे पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, नन्हे से 6 दिन के ठाकुर जी ने अब अपने आंखों से हाथ हटाया, अब पूतना को देखा, हां अब अपने वास्तविक रूप में आई है। और नन्हे से गोपाल जी बोल गए, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़वो ना आवे, और जाकू एक बार पकड़ लेना फिर ठिकाने लगा के ही छोड़े, चाहे वो भक्त हो चाहे वो राक्षस हो, आपकी बारी है। और विशाल विकराल पूतना राक्षसी के ठाकुर जी ने प्राण लेकर के हरण करके उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया। पूतना इसका मतलब क्या होता है? पूत कहते हैं पवित्र को, ना माने जो नहीं है। भक्ति के पथ पर जब आप चलेंगे, सबसे पहले सामना आपको पूतना का करना पड़ेगा, अपवित्र दृश्य, अपवित्र शब्द, अपवित्रता का, जो आपके चित्त को अपवित्र करे, ऐसी अपवित्रताओं को पूतना कहते हैं। पूतना का मतलब ये नहीं है कि अपवित्र स्थान, बिना नहाए धोए वस्त्र पुराने, ये पूतना नहीं है। पूतना वो जो आपकी दृष्टि और आपके कानों से भीतर जाकर के आपके चित्त को मलिन करे, वो पूतना है। भक्ति के पथ में सबसे पहली बाधा पूतना आएगी। आप डगमगाना नहीं, आप उससे विचलित होना नहीं, ठाकुर जी उसका वध कर देंगे, आप बस चलते रह लें। कोई कितना भी दूषित आपके सामने बोले, कितने भी दूषित दृश्य आपको दिखाए, आपके चित्त पर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। बंधुओं, कमल भी कीचड़ में ही खिलता है, कभी कभी अव्यवस्थित स्थिति में ही भक्त का प्रादुर्भाव होता है। नाव जिस दिशा में नदी चल रही है, उस दिशा में नाव चलाना नाविक नहीं माना जाता, विपरीत दिशा में नाव चला करके दिखाए उसको माना जाता है, हाँ ये नाविक है। कई लोग हमसे आके ये शिकायत करते हैं, महाराज जी हमारे परिवार में कोई भक्ति नहीं करता, हमारे माता पिता भक्ति नहीं करते, हमारी पत्नी भक्ति नहीं करती, पति नहीं करते, बच्चे नहीं। प्रहलाद जी ने कभी शिकायत नहीं की अपने पिताजी की, विपरीत अवस्था में ही प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। अरे सब भक्त हैं तो निश्चित है आप भी भक्ति कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति तब करके दिखाओ जब घर में कोई ना कर रहा हो, तब आप करके दिखाओ। परिवार में, शहर में, देश में कोई भक्ति भाव में ओतप्रोत ना हो, तब आप भक्ति से ठाकुर जी को प्रसन्न करो, तब आप भक्त माने जाओ। तो पूतना, पूतना का ठाकुर जी ने वध किया। अच्छा वध किया, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन पूतना को मारने के बाद गति कौन सी प्रदान की ठाकुर जी ने? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षया पिहरये स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना, उसका नाम अच्छा नहीं था, पवित्र नहीं थी वो, अपवित्र थी, तब भी भगवान ने उसको वो गति प्रदान कर दी जो मां यशोदा को मिलनी चाहिए। मतलब आपको कोई मारने आया,
और आपने उसके पांव धो लिए, उसको तिलक करके माला पहना के शॉल उड़ा करके वहां बैठाया जहां आपके पिताजी बैठते हैं, ऐसा कभी हो सकता है? आपको कोई मारना आए तो आप तुरंत FIR करोगे, लेकिन ये ठाकुर जी का स्वभाव है। पूतना मारने आई तो पूतना को मार करके ठाकुर जी ने वो गति प्रदान की जो वैकुंठ में यशोदा मैया को कालांतर में मिलनी चाहिए थी। ठाकुर जी ने पहले ही वैकुंठ में कह दिया तैयारी करो, हमारी मैया का कक्ष स्वच्छ कर दो। सब वैकुंठवासी बोले यशोदा मैया आ रही है क्या? बोले नहीं यशोदा जी नहीं, पूतना आ रही है। वैकुंठवासी बोले पूतना को यशोदा मैया की गति दे रहे हैं आप? बोले जी। क्यों? उसका नाम अच्छा है क्या? बोले पूतना पवित्र नहीं है। अच्छा तो बोले पूतना का काम अच्छा होगा? बोले लोक बालघ्नि। जो लोग ये सोचते हैं कि काम अच्छा हो, नाम अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, सुन लो एक बार, नाम अच्छा नहीं, पूतना का काम अच्छा नहीं, लोक बालघ्नि, छोटे छोटे बालकों को मारती है, यही उसका कार्य। छोटे बालकों का वध करना ये उसका कार्य है। तो नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, किसी ने कहा जाति अच्छी होगी, पूतना ब्राह्मण उच्च कुल में जन्मी होगी। बोले राक्षसी, राक्षसी थी, जाति भी अच्छी नहीं। यदि कोई जातिवाद पर जाए कि जाति देख के ठाकुर जी मिलते हैं, राक्षसी। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं। फिर कहते रुधिरासन, भोजन अच्छा होगा पूतना का, छोटे छोटे बालकों का गर्म गर्म खून पीती थी, यही उसका भोजन था। हर प्रकार से ठाकुर जी के बिल्कुल अयोग्य थी पूतना। तो किसी ने कहा भगवान के पास जाने का आशय अच्छा होगा पूतना का। मारने गई थी, दुनिया के लोग पुष्प चढ़ाने जाते हैं, अभिषेक करने जाते हैं, धूप नैवेद्य करने जाते हैं, मारने गई थी ठाकुर जी को। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, पास जाने का आशय अच्छा नहीं, तब भी भगवान ने उसको सदगति दे दी। सब लोग पूछने लगे, बोले ठाकुर जी क्यों सदगति दे रहे हैं पूतना को, ऐसा क्या था पूतना के पास? तब कह रहे हैं जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। भगवान से पूछा आपने सदगति क्यों दी? ठाकुर जी बोले दुनिया के लोग अस्त्र से मारते हैं, शस्त्र से मारते हैं, योजनाएं बना के मारते हैं, चक्रव्यूह बना के मारते हैं, पर ये हमको मां बन के मारने आई थी, इसलिए हमको अच्छा लगा और इसलिए हमने इसको सदगति दे दी। देवता बोले जय हो दयानिधि, आप जय, आपकी जय हो। इस बात पे कोई रीझता है क्या? बोले उसका मारने का तरीका अच्छा लगा हमको, हम उसका जब पयोधर पान कर रहे थे ना, तो एक क्षण के लिए मन में ऐसा भाव आया कि ये हमारी मैया है, इसलिए हमने उसको सदगति दे दी। बंधुओं, इतना दयालु कौन हो सकता है? बंधुओं, ये दयालुता मैं ठाकुर जी की बताऊं, ठाकुर जी की योग्यता बताऊं, श्रेष्ठता बताऊं, ये मेरा आशय नहीं है। मेरा आशय ये है कि इसका अंश भर हम भी तो बने। इतनी दयालुता, हम लोग कैसे हैं? हमने अपने दायरे बना रखे हैं, अगर कोई ऐसा खाता होगा हम उससे मिलेंगे नहीं, कोई ऐसा बोलने वाला होगा उससे हम दूर रहेंगे, इस प्रकार रहन सहन जिसका होगा उससे तो हमको मिलना ही नहीं है। लेकिन आप लोग सत्य बताइए, नित्य मंदिर जाते हो, नित्य कथा सुनते हो, नित्य अपने ठाकुर जी की पूजा करते हो, क्या ठाकुर जी ने जैसे दायरे बनाए वैसे हम हैं? लेकिन फिर भी ठाकुर जी हमसे रोज मिलते हैं, हमारे हाथों से सेवा स्वीकार करते हैं, हम जैसा भोग बनाए पा लेते हैं। क्यों? ये दयालुता है उनकी, ये कृपालुता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती
हिफाजत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत लोग कहते हैं हम भगवान के अंश हैं। ठाकुर जी ने 16108 ब्याह की, हम 4-5 कर लें। अरे अंश बनना है तो ऐसे बनो, उनके दया का स्वभाव अपने अंदर लाओ, उनकी कृपा का स्वभाव अपने अंदर लाओ, उनकी सहजता का स्वभाव अपने अंदर लाओ, तब माने जाओगे कि तुम ठाकुर जी के अंश हो। अब ठाकुर जी 3 महीना के है गए, 3 महीना के जैसे ही ठाकुर जी भये तो ठाकुर जी को करवट उत्सव भयो। ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। सब ब्रजवासी पूछे कहा भयो। बोले अरे नंद के लाला ने करवट लई है भैया, ये हमारे नगाड़े बज रहे हैं। वृंदावन में गोकुल में 1 वर्ष तक जन्माष्टमी उत्सव मना था ठाकुर जी के जन्म होने के बाद, हर दिन नगाड़े बजते। बोले आज काहे को नगाड़े बज रहे हैं? बोले आज नंद के लाला ने आ करी है, या मारे अरे आज नंद के लाला ने दाऊ दादा खेल रहे हो सुबह में अपनो पाम छुवाई दियो है, या मारे उत्सव है रो है। छोटी छोटी बातों के उत्सव चल रहे हैं। बोले अब करवट उत्सव हुआ, ठाकुर जी ने करवट पतली है, ऐसा उत्सव। सब ब्रजवासी, अच्छा उत्सव का मतलब क्या है कि ब्रजवासियों के घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, अब सब प्रसाद पाएंगे नंद भवन में। तो 1 वर्ष तक तो पूरे गोकुल में सबने भोजन पानी सब नंद भवन में ही किए, कोई अपने घर गया ही नहीं, क्योंकि रोज उत्सव है ना। ठाकुर जी के नित्य नूतन उत्सव चल रहे हैं। आज करवट उत्सव हुआ, इतनी भीड़ हो गई कि यशोदा मैया लाला को लेकर के एकांत जंगल में चली गई। पीछे एक बढ़िया चौक में बहुत सारी बैलगाड़ी खड़ी, उन बैलगाड़ी के ऊपर सुंदर सुंदर मटका रखे, गौरस घी मक्खन दूध दही आदि सब रखे। उनके बैलगाड़ी के नीचे दो छोर से साड़ी बांध के मैया ने एक झूला बना दियो, वहां में लाला सुबाए दियो। और मैया धीरे 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 झुलाते झुलाते जैसे ही लाला की आंख बंद भई, सोई यशोदा मैया मां से चली गई। ठाकुर जी के नेत्र खुले, और नेत्र खुलते ही ठाकुर जी ने देखा कि सक्टासुर नाम का एक दैत्य बैठा है। जैसे ही सक्टासुर दैत्य को ठाकुर जी ने देखा, भगवान ने अपना बाम चरण उठाया, लंबा किया। नन्हे से 3 महीने के ठाकुर जी ने महाराज इतना लंबा चरण करके और जैसे ही पीछे करके मारा, गोल गोल बैलगाड़ी घूम गई, सक्टासुर का वध हो गया। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। बंधुओं, ये सक्टासुर कौन है बहुत ध्यान से सुनना। शकट इसका मतलब होता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं। ये बैलगाड़ी क्या है? हमारा जीवन है। और हमारे जीवन में भी 2 पहिए हैं। कौन? गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी के 2 पहिए, पति और पत्नी, ये 2 पहिए हैं। गृहस्थाश्रम रूपी इस सकट के 2 पहिए पति और पत्नी, और इस सकट के ऊपर जो बैठे हैं ये कौन है? सारा कुल खानदान, बच्चे परिवार, सास ससुर, पिता माता आदि आदि सब लोग। सकट का काम क्या है कि वो एक नगर से दूसरे नगर ले जाता है, एक छोर से दूसरे छोर ले जाता है। लेकिन यदि दोनों पहिए बराबर होंगे तभी ऊपर बैठे हुए लोगों को सुख मिलेगा। एक पहिया छोटा एक पहिया बड़ा तो क्या होगा? लचक लचक करके गाड़ी चलेगी, 2-4 गिर जाएंगे उसके ऊपर से, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस गृहस्थाश्रमी रूपी सकट के 2 पहिए पति और पत्नी को सामान्य होना चाहिए, एक दूसरे के बुद्धि और स्वभाव के अनुरूप अपना निर्माण करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो, तभी गृहस्थाश्रम रूपी सकट पर बैठे हुए यात्री जो हैं, आपके परिवारी जन हो या जो भी हैं, वो सब सुखद यात्रा कर पाएंगे। लेकिन एक बात और विशेष, सकट तो है, 2 पहिए भी बराबर हैं,
लेकिन ये सकट गाड़ी चलेगी कब? जब सामने बैल लगा हो। और ये बैल कौन है? वृषभ। वृषभ यानी कि धर्म। धर्म के चार पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। यदि गृहस्थाश्रम रूपी सकट को पति पत्नी सामान्य होकर के चलाना चाहते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, सत्य, दान, दया और पवित्रता, इन चारों को अपने गृहस्थाश्रमी रूपी सकट का सारथी बनाओ, तभी तुम्हारी यात्रा सुखद हो पाएगी। ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म सूत्र हैं, ये सुनने के विषय नहीं है, ये चिंतन के विषय। बाद में इसका चिंतन कीजिए, क्या बता रहे थे व्यास जी। पर यदि आपके सकट में धर्म नहीं लगा होगा, यानी कि बैल नहीं लगा होगा, तो क्या होगा? ठाकुर जी अपने पाद प्रहार से उस गृहस्थ आश्रम रूपी सकट को घुमा करके ध्वस्त कर देंगे। ये सकटासुर मर्दन लीला है पूरी। क्यों? क्योंकि अगर धर्म नहीं होगा सकट के आगे, तो निश्चित है उस पर असुर आकर के बैठ जाएगा। और जब असुर आकर के गृहस्थाश्रम रूपी सकट पर बैठा, ठाकुर जी का पाद प्रहार तो होगा। अब आप देखो, रावण का भी गृहस्थाश्रम था, अपनी पत्नी से खूब प्रेम करता था, समान थे, सब अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखता था। रावण बहुत अपने कुल का ध्यान रखता था, बच्चों का ध्यान रख, भाइयों का सम्मान कर, कुंभकर्ण के सोने की अलग ही व्यवस्था कर रखी थी, सब कुछ करता था। लेकिन धर्म रूपी वृषभ नहीं था उसके सकट में आगे, इसलिए प्रभु श्री राम ने अपने बाण से उसके संपूर्ण सकट का विध्वंस कर दिया। ठीक वैसे ही ये विचारणीय बात है, धर्म के चार चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता, इन चारों को अपने जीवन रूपी सकट का सारथी बनाओ। पति पत्नी दोनों सम रहो, भगवत कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत रहो, आपके सकट को ठाकुर जी विध्वंस नहीं करेंगे, उस सकट पर अविराजित होकर के आपको आनंद प्रदान करेंगे, जिस प्रकार अर्जुन के रथ पर ठाकुर जी विराजे। विचारणीय बात है, भगवान ने अपने पाद प्रहार से उस सकट का वध कर दिया, सकटासुर का वध कर दिया। जोर की आवाज हुई, यशोदा मैया वगैरह सब दौड़ करके गई तो देखा कि बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है और नीचे श्याम सुंदर लेटे हैं, नन्हे से 3 महीना के ठाकुर जी किलकिल करके हंस रहे हैं। यशोदा मैया ने गोद में उठा लिए ठाकुर जी, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक आए आकर के मैया से बोले, मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले बताओ। मैया तेरो लाला है ना गदमदरासो, गदमदरासो, गदमदरा किसको कहते हैं? कई बालक आपने देखे होंगे, उनके गाल इतने भर जाते हैं कि वो बेचारे नीचे लटकने लग जाते हैं। ये 1 साल तक के बालकों में ही सुंदर लगते हैं, उसके बाद बढ़िया नहीं लगते। पर 1 साल तक के बालकों को देखो, खूब ये हाथ भी गोल मटोल, तकिया जैसे, महाराज कभी कभी यूं लगे इन्हीं को तकिया बना के सो जाओ इनके ऊपर। ऐसे गदमदरा से बालक हूं मैं, कहा है? ऐसे हैं हमारे लाल जी, 3 महीना के गदमदरा से। बालक बोले, मैया तेरो लाला है ना गदमदरा सो। बोले हाँ, जाने अपनो एक पाम उठायो मैया और इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो मैया, और लंबो करके पीछे करके यो मारी, सोई बैलगाड़ी ऐसे फुर्र घूमती घूमती गिर गई और मैया बैलगाड़ी पलट गई, तेरे लाला ने गेरी है। यशोदा मैया उसकी ओर देखने लगी, बोले यहां पे आ। जैसे वो पास गयो, मैया ने एक दियो वाके कान के नीचे, झूठ बोले मेरो 3 महीना को लाला ने 100 लाला यहाँ पे करवट लेनो, कल रात को आयो है और तू यो करो, यानी अपने पाम ते बैलगाड़ी गेर दे, झूठ बोले, शर्म ना आवे। छोटो बालक बोलो, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन से देखो, तेरे लाला ने गेरी बैलगाड़ी। मैया बोली, सौगंध खावे यहां पे आ, एक बार और पकड़े फिर दियो वा में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत। बोले यशोदा मैया को उस बालक की सत्य भाषा पर विश्वास नहीं हो रहा है,
अप्रेमयं बलं तस्य बालकस्य नते विदुः। बालक तो सच बोल रहे हैं परीक्षित, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम स्वीकार नहीं कर रहा है कि नेक्स्ट सो लाला ये काम कर सके। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले बढ़िया है, हम बढ़िया बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मैया को विश्वास ही नहीं है रो कि हमने मारी है, हमने मारो सकता से। बंधुओं ये प्रेम का स्वरूप होता है, मैं कथाओं में कहा करता हूं। ये ब्रजवासी ठाकुर जी को इतने प्रिय क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी अपने प्रभाव का प्रकाश करते हैं ब्रजवासियों के आगे, लेकिन फिर भी ब्रजवासी उनके प्रभाव पर आकर्षित ही नहीं होते। सब कहते ना हमारा लाला तो कर ही ना सके, हमारे लाला की बस की ना है, हमारे लाला में इतनी ताकत कहां से आई, वो कैसे कर देगो। अभी आगे सुनते जाओ, पूतना मार दी, सकटा सुर मार दिया, अब तीसरा दैत्य आया वृंदावन में तृणावर्त। एक साल के हो गए ठाकुर जी, यशोदा मैया की गोद में लेटे लेटे दूध पी रहे, और दूध पीते पीते ठाकुर जी ने देखा तृणावर्त आ रहा है बवंडर के रूप में, और ये हमको उड़ा के ले जाएगा और हमारे संग संग यशोदा मैया को और उड़ाएगा। तो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपना वजन इतना भारी किया कि यशोदा मैया आंगन में लाला को सुलाए के चली गई, और तृणावर्त आके ठाकुर जी को उड़ा के ले गया। भगवान ने आकाश में जाके उसका भी वध कर दिया। सब ब्रजवासियों को पता नहीं चल रहा है ये पूतना ठाकुर जी ने मारी, सकटासुर ठाकुर जी ने मारा, तृणावर्त मारा नहीं। जब मर जाते हैं तो आपस में चर्चा पता है क्या करते हैं, हमारे ब्रजमंडल में इतनी सामर्थ है, हमारे ब्रज की सीमा में इतनी ताकत है, इतनो योग बल अनुष्ठान या ब्रज में नंद बाबा ने कियो है कि राक्षस तो आमे आक्रमण करवे, लेकिन हमारी ब्रज की सीमा में आते ही उनको सबरो बल खत्म हो जाए और वो मर जाए। कोई भी ये नहीं मानना है कि लालजी मार रहे हैं, सब यूं कह रहे हैं हमारे ब्रज में इतनी ताकत है। बोले भैया नंद बाबा के अनुष्ठान को फल है, लाला है छू भी ना पावे कोई राक्षस, ये नंद बाबा के अनुष्ठान और गौ सेवा को बल है कि राक्षस आते ही लाला को स्पर्श करते ही मर जाएं। कोई भी ये विश्वास नहीं कर रहा है कि लाला ही मार रहा सबन ने। अगर कोई गलती से कह भी देता है, बोले कभी कभी यूं लगे कहीं लाला तो ना मारो, बोले चल बाबड़े झूठ बोले, लाला थोड़ी मार सके, लाला में थोड़ी इतनो ताकत है, इतनो बल है। प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेम कभी आपकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करता, प्रेम आपकी कभी श्रेष्ठताओं को स्वीकार नहीं करता, प्रेम तो आप जैसे हो वैसे आपको स्वीकार करता है। और कहीं प्रभुता देख करके स्वीकार किया जा रहा हो तो समझ जाना ये प्रेम ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। आपकी योग्यता आपकी श्रेष्ठता आपकी प्रभुता देख करके आपसे कोई प्रेम कर रहा है तो निश्चित है वो स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं है। ब्रजवासियों को स्वार्थ नहीं है ठाकुर जी से। ठाकुर जी एक वर्ष के गए, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं भयो। आहा लाल जी अब गुटमन गुटमन चलने लगे हैं, दो दांत ठाकुर जी के निकल आए हैं, घुंघराले केश हैं, यशोदा मैया कभी कभी पकड़ करके और ऐसे बांध करके बेनी गूथ दे और वहां में एक मोर पीछ लगा दे। ठाकुर जी गुटमन गुटमन चल रहे थे, यशोदा मैया इतने में गई, अपनी तिजोरी में से दो पायल निकाल करके ले आई और गुटमन चलते हुए ठाकुर जी के पाम पकड़ करके पीछे से वो पायल पहनाई दे। अब ठाकुर जी जैसे ही गुटमुन चले तो छुम 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 आवाज आवे, और ठाकुर जी पीछे मुड़ के देखें ये आवाज कहां से आ रही है, और जब ठाकुर जी आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़ के देखें तो यशोदा मैया ताली मार करके हंसे, बोले लाला के पैरन की आवाज है, लेकिन लाला खुद कान लगा के सुनो ये आवाज कहां से आ रही है। बहुत सुंदर एक पद है, ठाकुर जी के पैरन में सुंदर नूपुर बंधे हैं। अब ठाकुर जी खंभ पकड़ करके कभी कभी खड़े हो जाते हैं, देवता में आकाश कह रहे हैं, बोले सारे विश्व को चलाने वाला आज स्वयं चलना सीख रहा है। यशोदा मैया उंगली ऐसे पकड़वाती हैं और धीरे 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 लाल जी को लेके चलती हैं, और एक 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 जगह आकर के यशोदा मैया अपनी उंगली हटा लेती हैं। अब ठाकुर जी के हाथ ऊपर रह जाते हैं, अब ठाकुर जी कभी यहां को कभी यहां को, और करते 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 ठाकुर जी धम्म से गिर जामे, फिर यशोदा मैया गोदी में लेके बैठे। धीरे धीरे ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं।
एक दिन यशोदा मैया ठाकुर जी को दहली पे ले गई। अब चलनो सीख गए ठाकुर जी। अब मैया कह रही है चलनो तो आगे, अब याकू लांगनो और सिखाओ। लांगना समझते? यशोदा मैया दहली पे ले गई और दहली के एक तरफ ठाकुर जी को खड़ो करके यशोदा मैया तो लांग गई। अब ठाकुर जी कह रही लाला आ जा। अब ठाकुर जी उस दहली को देखें, फिर यशोदा मैया को देखें, फिर दहली को देखें, फिर यशोदा मैया को देखें। मैया कैसे लांगू, बोल तो सकते नहीं, बोलना आवे ना। यशोदा मैया बोली लाला मैं चली जाऊंगी, यमुना जी चली जाऊंगी, जल्दी आ। अब मैया चली जाएगी या भय से ठाकुर जी बेचारे दहली पे चढ़ गए। अब जैसे ही दहली पे चढ़ तो गए, पल्ली तरफ गहराई ज्यादा। अब पल्ली तरफ ठाकुर जी ने अपने पाम पहले, अच्छा कभी कोई बालक को देखी हो बिस्तर से बालक कभी उतरता हुआ देखा है? पहली बार वो सबसे पहले अपने पांव लटकाता है नीचे और फिर धीरे धीरे चद्दर छोड़ता है धीरे धीरे, और नीचे के अंगूठों से उंगलियों से देखता रहता है पृथ्वी आई कि नहीं, जमीन आई कि नहीं। अभी ऐसे ही ठाकुर जी दहली के पल्ली तरफ लटक गए और धीरे धीरे अपने हाथ ढीले कर रहे हैं कि अब आई अब आई अब आई, लेकिन दहली इतनी ऊंची कि ठाकुर जी के पांव टिके नहीं और हाथ पूरे खिंच गए। अब ठाकुर जी वहां पड़े पड़े रो रहे हैं, जोर जोर से चीख रहे हैं। तब नारद जी महाराज कहते हैं आहा, श्रुति म परे स्मृति म परे भजन्तु भव भीता नीति म परे अहम तु नंदम अहम तु वृंदम नंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। बोले मैंने श्रुतियों में ठाकुर जी को ढूंढा, मैंने वेदों में ठाकुर जी को ढूंढा, मैंने तीनों लोकों में ठाकुर जी को ढूंढा, अरे मुझसे पूछो ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले कहाँ हैं? बोले वृंदावन में नंद भवन पर लदे हुए हैं, दिल्ली पे लटके भए हैं, नीचे पृथ्वी नहीं मिल रही है उनको। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। अब ठाकुर जी लांगनो भी सीख गए। देवता कहते हैं कहां दो पग से तीनों लोग नाप लेते हैं बलि के यहां जाकर के, और कहां नंद बाबा की दहली नहीं नागी जा रही इनसे। अब ठाकुर जी धीरे धीरे चलते हैं, यशोदा मैया ताल बजाती है, ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके उस पर नृत्य करते हैं, चंद्र सखी जी गा रहे हैं। अच्छा एक कथा बहुत सुंदर है कि ठाकुर जी की प्रथम जन्माष्टमी थी, एक साल के भय लाल जी, तो यशोदा मैया सोच रही मैं लाला के काजे कहाँ लाऊं? आप सब भी अपने अपने घर के ठाकुर जी के ये सामग्री लेके आई हो इसलिए सुना रहे हम। यशोदा मैया बोली लाला के लिए कहाँ लाऊं? तो एक दिन यशोदा मैया सोच रही एक वर्ष को लाला है जाए को कहाँ दऊं कहाँ दऊं कहाँ दऊं। तभी यशोदा मैया ने सोची मैं जमुना जल भरवे जाऊं, लाला मेरे पीछे चुनरी पकड़ करके चले, और जब लालजी ठाकुर जी के यशोदा मैया के पीछे पीछे चले ना, तब समस्त गोपियां अपने अपने घर की खिड़की पर बैठ जाती हैं और खिड़की पर बैठ करके सुंदर सुंदर मक्खन हाथ में लेकर के, और जैसे ही यशोदा मैया निकले सोई मक्खन को हाथ बाहर निकालें, सोई लालजी को लोभ आ जाए, लालजी जैसे ही खावे आमे सोई सबरी गोपी हाथ पकड़ लें, लालजी को भीतर कमरा में ले लें, बोले लाला मक्खन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा। सोई गोद में बैठा के उनको खवा में। थोड़ी देर बाद यशोदा मैया कहें लाला आज रात्रि ब्यारू में कहा खाएगा? ठाकुर जी की कोई आवाज नहीं आवे। पीछे मुड़ के मैया देखें तो देखे तो पूरे गोकुल छान लियो, लाला मिल नहीं रहे हो। तब कोई गोपी लेकर के आवे, बाकी घर में ठाकुर जी बैठे। यशोदा मैया बोली जमुना जल भरवे जाओ, नहीं लेके जाओ तो रो रो के हत्या मचावे, और लेके जाओ तो ऐसे भाग जाए कोई के घर भी, कहा करूं? तब यशोदा मैया को एक युक्ति आई और एक सुनार के पास जाकर के ठाकुर जी की कमर को पूरा नाप दे करके भगवान की एक क्षुद्र घंटिका बनवाई है, एक कौंधनी, और वह कौंधनी में छोटी 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 घंटी लगी है। आज ठाकुर जी जैसे एक वर्ष के भय, यशोदा मैया ने अष्टमी को तिलक करके ठाकुर जी की कमर पर वो कौंधनी बांधी। अब ठाकुर जी जैसे ही चले, जैसे ही कमर मटका में सोई, वो छम 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 कौंधनी में से आवाज आवे मैया के अब बढ़िया है। जैसे ही यमुना जल भरवे जामे, पीछे पल्लू पकड़ के ठाकुर जी चले, कोई गोपी कहे लाला यहाँ पे आ जा, जैसे ही ठाकुर जी वहां को जाए मैया को आवाज आए, मैया कहे लाला यहाँ पे कहाँ जा रहा हो, भगो भगो संग चल मेरे। सब गोपी बोले जब से क्षुद्र घंटिका पहनी है लाला ने हमारे पास आई ना पावे, यशोदा मैया पता चल जाए लाला कहाँ जा रहो कहाँ बैठ रहो। ऐसे ही भैया
अपने घर के ठाकुर जी को भी पहनाओ। पता ना काऊ देना आपकी भक्ति से प्रसन्न है करके रात्रि में कहीं ठाकुर जी ने नृत्य किया और आपको उनकी कमर की छुद्र घंटिका को स्वर आ गया तो आनंद है जाएगा जीवन में। हमने तो अपने लाल जी की 6-7 बनवा रखी है छुद्र घंटिका, और जब भी कोई विशेष उत्सव होवे वहीं पहनाते। अब जैसे विदिशा आए हैं, कहीं विदिशा की कोई गोपी पे उनको मन नहीं आ जाए, भाज नहीं जाए, हमारे पहना के रखे, कहीं गए भी तो पता तो चल जाएगी कि कहीं जा रहे हैं। ये सब भाव की बात है भैया। या बार की जन्माष्टमी पे आप सब भी अपने अपने ठाकुर जी को यथा योग्य सोने की बनवाओ, चांदी की बनवाओ, कछु नहीं तो पीतल की बनवाई दियो, लेकिन बनवा के पहनाओ छुद्र घंटे का, और खरीदियो बनी बनाई नहीं, बनवा के पहनो।